स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश कुमार भारती 4.2 द लंचन. दिस ह्यूमरस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम सोमरसेट मॉम. इट्स अ वेरी डिलाइटफुल ह्यूमरस स्टोरी अबाउट मॉम्स लंचन डेट विथ अ लेडी. लेट्स स्टार्ट द लेसन. I caught sight of her at the play, and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her. Author जो है कि एक play देखने के लिए जाते हैं और interval होने के बाद में वो एक जगह बैठ जाते हैं, उनके side में एक lady बैठी हुई है. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. तो ऑथर जब वो लेडी के साथ में बैठे हैं तो उनको पता नहीं कि वो लेडी कौन है, लेकिन कोई तो भी जब बताता है कि वो पहचानती भी नहीं उस लेडी को, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि अगर कोई उनका नाम बता देगा तो शायद पहचान लेंगे. शी एड्रेस मी ब्राइटली, लेकिन वो लेडी जो है उनको पहचान लेती है और उनको नाम से बुलाती है. वेल इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, हाउ टाइम डज फ्लाई. वो लेडी बोलती है कि काफ़ी साल हो गए कि हम मिले थे इसके पहले, हमारी पहली मीटिंग हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है, और देखिए टाइम कैसे उड़ जाता है, कितना टाइम जल्दी जल्दी बीत जाता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, अभी हम उतने यंग भी नहीं रहे, तो हम जब यंग थे तब हम मिले थे. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या आपको याद है कि मैंने जब आपको पहली बार देखा था. यू आस्क मी टू लंचन, आपने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया था. डिड आई रिमेंबर. ऑथर याद कर रहे कि सच में उनको कुछ ऐसे याद है क्या, ऐसे उन्होंने किसी के साथ में वो लंच पे गए थे क्या. इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस. थोड़ा सोचने के बाद में ऑथर को याद आ जाता है कि हाँ 20 साल पहले जब वो पेरिस में रहते थे तब शायद वो गए होंगे. आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी. वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और काफ़ी कम उनका इनकम था, जैसे तैसे वो अपना मैनेज करते थे. शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट. वो जो लेडी थी उन्होंने ऑथर का लिखा हुआ एक बुक पढ़ लिया था और उसके बाद में उसने काफ़ी कुछ अच्छे कमेंट्स दिए थे. आई आंसर्ड थैंकिंग हर एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनादर लेटर सेइंग शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी. ऑथर जब वो उसके रिव्यूज़ भेजती है उनके बुक को लेकर, तो ऑथर एक थैंक्सफुलनेस का जो है थैंक्सगिविंग लेटर उनको भेजते हैं. ऑथर उस लेडी को एक थैंक्सगिविंग लेटर भेजते हैं. फिर से उस लेडी का एक लेटर आता है कि वो पेरिस में आ रही है, उसे कहीं जाना है तो वो पेरिस में रुकने वाली है और वो ऑथर को मिलना चाहती है, ऑथर के साथ काफ़ी बातें करना चाहती है. बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट पोएट्स आफ्टरवर्ड्स. तो लेकिन वो लेडी का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास में टाइम नहीं है, कि उसके पास में आने वाले थर्सडे को ही थोड़ा सा फ्री मोमेंट है. तो ऑथर सोचते कि उसके पास में कम टाइम है तो क्यों ना वो जो उसका जो उसकी जो इच्छा रहती है कि फॉयट्स में लंच करने की जो इच्छा जो रहती है, तो ऑथर को भी लगता है कि ठीक है फॉयट्स में वो उसको लंच दे सकते हैं. फॉयट्स इज़ अ रेस्टोरेंट एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर. फॉयट जो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो ऑथर की कैपेसिटी के बाहर, ऑथर की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है उसके बाहर है. ऑथर तो कभी सोच ही नहीं सकते, उनका जो इनकम है उसके भरोसे वो सोच भी नहीं सकते कि अभी वो फॉयट के आगे खड़े भी रहेंगे. आई हैड 80 francs टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15. लेकिन फिर भी ऑथर के पास में कुछ है, 80 francs उनके पास में है, तो सोचते हैं कि एक मॉडेस्ट लंचन यानी कि जो एक फॉर्मल लंच जो होता है दो लोगों के बीच में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 francs लगेंगे, ऐसे वो सोच रहे हैं. इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज वेल इनफ. आगे वो ये सोच रहे कि अगर वो आगे के 2 weeks अगर कॉफ़ी नहीं पियेंगे, कॉफ़ी का जो एक्सपेंस होता है अगर वो उसको बचा लेंगे तो फिर आगे का महीना उनका सही तरीके से निभ जाएगा, यानी कि वो जो फॉयट में जो लंच दे रहे तो बजट उनका फिक्स हो जाएगा. आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट फॉयट्स ऑन थर्सडे एट 12:30. ऑथर उसको आंसर देते हैं, ऑथर बाद में उनके फ्रेंड को
थर्सडे को फोयट में 12:30 को 12:30 बजे मिलने का टाइम फिक्स करते हैं। शी वॉज इन अपियरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वेयर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज। बाद में थर्सडे आ जाता है, ऑथर फोएट्स में जो है उस रेस्टोरेंट के आगे खड़े हैं, तो वो लेडी आ जाती है जो जिसका अपीयरेंस जो ऑथर ने सोच के रखा था तो वो वैसी नहीं है, तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। लेकिन जब वो आती है पास में तो जो उसके बड़े बड़े दांत ऑथर को दिखाई देते हैं, जब वो विश करती है उनको अपने बड़े बड़े लार्ज वाइट टीथ दिखाकर उनको विश करती है, ऑथर को ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए ही ठीक है, यानी कि जो उसके अपीयरेंस को लेकर ऑथर ने जो सोच कुछ रखा था वो ऐसे कुछ भी नहीं था। शी वॉज टॉकेटिव बट सिंस शी सीम टू वॉन्ट टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अट्रैक्टिव लिसनर। लेडी जो है काफ़ी टॉकेटिव है, बहुत ही बातूनी है और ऐसे लगता है कि उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होगी, तो ये उसके जो बोलने की आदत या फिर जो बोल रही है कंटिन्यूसली बोल रही है ये देखने के बाद में उसके प्रिपरेशन, और वो मोस्टली ऑथर के बारे में ही बोल रही थी, तो ऑथर सोचते कि उन्होंने एक अटेंटिव लिसनर होना चाहिए, यानी कि काफ़ी ध्यान से वो जो कुछ बोल रहे हैं उसी को सुनने का काम करना है। ऐसे ऑथर ने अपना माइंड तैयार कर लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द मेन्यू वॉज ब्रॉट फॉर द प्राइसेस वेर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड थॉट बट शी रीअश्योर्ड मी। मेन्यू कार्ड उनके आगे आता है, तो वो मेन्यू कार्ड देखने के बाद में जनरली जब हम जैसे जाने के बाद में मेन्यू कार्ड और उनके प्राइसेस देखते हैं, तो ऑथर ने जो सोचा था कि जो एक बजट फिक्स करके जो आए थे तो उससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वो मेन्यू कार्ड की डिशेज है, लेकिन लेडी जो है उनको रीअश्योर करती है, उनको बताती है वो क्या कहती है। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच शी सेड, वो बोलती है कि मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती हूँ। ओह डोंट से दैट आई आंसर जनरसली। अभी नेचुरली ऑथर जो है वो होस्ट है, तो जब वो लेडी बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं लंच के लिए खाती हूँ, तो ऑथर मॉडरेटली जनरसली उसको कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ तो भी खाना पड़ेगा। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउअडेज, अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैमन। तो आगे वो बोलती है कि मैं एक टाइम पे जो है कि मैं एक ही चीज़ खाती हूँ, और लोगों के जैसे नहीं, लोग आजकल बहुत खा लेते हैं, ऐसे मेरा काम नहीं है, एक छोटी सी फिश चलेगी, ऐसे वो कहती है। वो बोलते हैं मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर यहाँ पे सैमन मिल जाए। तो सैमन इज़ अ टाइप ऑफ फिश जो नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में मिलने वाली और बहुत ही एक्सपेंसिव ऐसी फिश है। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu, but I asked the waiter if there was any. अभी ये साल का जो है कि शुरुआत है और salmon generally उनके मेन्यू कार्ड में वो डिश नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी गेस्ट की इच्छा है इसलिए जो है ऑथर वेटर को बुलाते हैं और पूछते कि यहाँ सैमन है क्या। येस अ ब्यूटिफुल सैमन हैड जस्ट कम इन, इट वॉज द फर्स्ट दे हैड हैड। तो बोलते हैं हाँ अभी एक ब्यूटिफुल सैमन हमारे रेस्टोरेंट में आया हुआ है और ये सबसे पहला है। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, और ऑथर नेचुरली अपने गेस्ट के लिए उसको ऑर्डर करते हैं। द वेटर आस्क हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बींग कुक्ड, नो शी आंसर्ड, I never eat more than one thing unless you had a little caviar. I never mind caviar. तो ऑथर जो है उनको उसका ऑर्डर सैमन का ऑर्डर देते हैं। मीनवाइल वेटर जो है तो क्या कर रहा है, तो पूछता है कि मैम ये पकने में बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसके मेन टाइम आपको कुछ चाहिए क्या। तो वो कहती है कि नहीं, और आगे ये भी कहती है कि वो एक टाइम में एक चीज़ से ज़्यादा खाती नहीं है, लेकिन आगे वो बोलती है यू हैड अ लिटिल केविया, अगर आपके पास में केविया है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं केवीआर भी जो है खा सकती हूँ, केवीआर भी जो है, और
एग ऑफ वाइल्ड स्टर्जियन, तो ये भी एक जो है कि एक उसका एग रहता है, स्टर्जियन वाइल्ड स्टर्जियन का, तो ये कैस्पियन और ब्लैक सी में पाया जाता है, तो वो उसको ऑर्डर दे देती है। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। अभी ऑथर को जो है कि उनको ये पता है कि वो कैवियर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये उस लेडी को नहीं बता सकते। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिस्ट ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। ऑथर खुद के लिए वो जो मेनू कार्ड है उसमें सबसे सस्ता जो डिश है जो मटन चॉप है वो खुद के लिए ऑर्डर करते हैं। क्यों ऑर्डर करते हैं हमको पता है। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट शी सेड, आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। लेडी जो है वो उनको कहती है कि आप इतने होशियार हो लेकिन खाने पीने के मामले में आप अनवाइज हो, आपके खाने पीने की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसे मीट खाना जो है अच्छी बात नहीं है, और मैं तो कभी अपने पेट को ऐसे ओवरलोड करती नहीं, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा खा के मैं अपने पेट को ओवरलोड नहीं करती हूँ ऐसे वो कहती है। She ate the caviar and she ate the salmon. She talked gaily of art and literature and music. जब पहले केविया आता है उसके बाद में सैमन डिश आती है, वो लेडी खा रही है, केविया को भी खा रही है, सैमन को भी खा रही है, और साथ में खुशी खुशी वो आर्ट लिटरेचर म्यूज़िक सारे सब्जेक्ट पे सारे टॉपिक पे वो बातें भी कर रही है। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू। और ऑथर यहाँ क्या सोच रहे हैं, ऑथर उसकी बातें सुन रहे, वो क्या क्या खा रही वो देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में उनके यही चल रहा है कि बिल कितना होगा, बिल कितना आएगा। व्हेन माय मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क। जब ऑथर की डिश यानी कि मटन चॉप जब वहाँ टेबल पर आता है तो ऑथर की तरफ काफ़ी सीरियसली देखती है कि क्या खा रहा है। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हेवी लंचन। वो फिर से बोलती है कि ऐसे के खाने की जो हैबिट जो हैवी खाने की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट इट वन थिंग। बोलती है ये बहुत गलत है, इस तरीके से खाना नहीं चाहिए, आप मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो कि एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ खानी है, जस्ट इट वन थिंग। आई कूडंट पॉसिबल ईट एनी थिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जैंट एस्पेरागस। उसके आगे वो बोलती है कि ये तो बहुत खाना हो गया, लेकिन अगर यह जॉइंट एस्पेरागस मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आई शुड बी सॉरी टू लिव पैरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। पैरिस में मैं आई हूँ और पैरिस का जो फेमस एस्पेरागस डिश जो है, अगर मैं वो नहीं खाऊँगी तो मुझे बहुत हमेशा के लिए दुख रहेगा कि यहाँ आकर मैंने एस्पेरागस नहीं खाया है। ये सुनने के बाद में ऑथर का क्या होता है देखते हैं।